नमस्कार, आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड की ब्यूटी गर्ल माधुरी दीक्षित, जो कभी बॉलीवुड पर राज किया करती थी, वैसे शाहरुख से लेकर सलमान तक के साथ काम कर चुकी माधुरी के जलवे आज भी बरकरार हैं। वैसे तो माधुरी ने बॉलीवुड से दूर अपनी दुनिया बसाई है, लेकिन उन्हें भी उन लोगों में गिना जाता है जिनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। 90 के दशक में बॉलीवुड में बहुत सी लव स्टोरी चर्चा में रही। उनमें से एक लव स्टोरी माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की भी थी, लेकिन ये लव स्टोरी किसी मुकाम तक नहीं पहुंची और दोनों के रास्ते बीच में जुदा हो गए। फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में कदम रखने वाले संजय दत्त ने अपने लुक और खास अंदाज से बॉलीवुड के नए स्टार बन चुके थे। 90 के दशक में संजय दत्त बॉलीवुड के बेहतर नायकों में से एक थे। वहीं माधुरी ने फिल्म अबोध से बॉलीवुड में कदम रखा था। दोनों 80 के दशक में अपने करियर के शबाब पर थे। तेजाब और दिल जैसी फिल्मों ने माधुरी को दर्शकों और बॉक्स ऑफिस पर नंबर एक बना दिया था। इसी दौर में एक फिल्म शुरू हुई, साजन, जिसने इस प्रेम कहानी का पहला पन्ना लिखा। इस फिल्म में संजय और माधुरी के अलावा सलमान खान भी थे, लेकिन लीड रोल प्ले करते करते माधुरी दीक्षित और संजय दत्त असल जिंदगी में भी एक दूसरे को दिल दे बैठे। दोनों जहां चोरी छिपे एक दूसरे के साथ सेट पर वक्त बिताते, वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त की शादी माधुरी और संजय के लिए परेशानी बनने लगी। उस वक्त संजय शादीशुदा थे, उनके एक बेटी भी थी। इन सब बातों की परवाह न करते हुए दोनों ने खलनायक फिल्म साइन की।